सुप्रभात द बिहार टीचर्स सिस्टम मेकर्स की मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अर्चना रॉय फिर से उपस्थित हूँ अपनी कक्षा में गजानन माधव मुक्ति बोध रचित जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के भावार्थ के साथ। पिछले वीडियो में हम लोग कविता के कुछ लाइन्स का भावार्थ देखे थे। चूँकि कविता लंबी है तो बाकी कुछ बच गया था जिसका भावार्थ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोग बात कर रहे थे शोषक और शोषित का, जिस पर आधारित ये कविता है और इसीलिए इस कविता का शीर्षक है जन जन का चेहरा एक। अर्थात इस संसार में जितने भी शोषक हैं सभी एक जैसे हैं, जितने भी शोषित हैं सभी एक जैसे हैं, उनके शोषण का तरीका शोषण का ताना बाना सभी एक जैसे है। तो आगे हम लोग देखेंगे अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार गहरी काली छाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। कह रहे हैं क्या कि अपनी सेनाओं, सेना का मतलब क्या, शोषण करने का ताना बाना। सेना का मतलब ये नहीं कि कोई जवान हो, ये ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सेना के जवान से मतलब है, सेना से आशय है कि उनके शोषण करने का तरीका। ये जो शत्रु हैं, जो शोषण करने वाले लोग हैं, जो शोषितों के शत्रु हैं, सब ऊंचे ऊंचे काले काले दुर्ग पर निवास करते हैं, अपने किलाओं को मजबूत करके रखे हैं कि कोई भी मेरी सुख शांति समृद्धि में सेंधमारी ना करे, मैं शोषण करूं और मैं बचता रहूं। काला काला दुर्ग एक जन शोषक शत्रु एक। जितना भी काला काला दुर्ग आप देख रहे हैं, अर्थात जितने भी शोषण करने वाले हैं वो सभी एक हैं। और जनता के शत्रु क्या है, सब जगह एक ही है, चाहे वो कोई भी देश हो, विदेश हो, गांव हो, शहर हो। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। कह रहे कि यहाँ पे लाल लाल किरणें, आशा रूपी किरण जो है शोषितों के अंधकार भरे मन को चीरते हुए उसमें आशा का संचार करते हुए ये लाल लाल जो किरणें हैं चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। मित्र का स्वर्ग से आशय यहाँ पे उस समय रूस में मार्क्सवाद का शासन था, तो उस ओर कवि ने इशारा किया है कि मित्र कौन है शोषितों का, तो रूस के बारे में बताया गया है। जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक। कह रहे हैं कि ये जो क्रांति की ज्वाला देख रहे हैं आप, लाल लाल किरणें देख रहे हैं, आशा रूपी किरणें शोषितों के आशा रूपी किरणें जो शोषक के काले अंधेरे को चीरते हुए शोषितों के हृदय में प्रकाश की किरण पैदा करती है, एक तरह का क्रांति की ज्वाला दिखाई देती है, वो सब क्या है, एक है। तो कह रहे हैं विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में सत्य का एक का उजाला एक। कह रहे हैं कि जो शोषित हैं उनके हृदय में जो धड़कन है वो सब क्या है, एक है, वो सत्य का धड़कन है, जो कि अपने जीवन के स्तर को सुधारने के लिए, शोषकों से मुक्ति के लिए एक समान धड़क रहा है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। कह रहे हैं कि जितने भी शोषित हैं उनके पैर में जो मोच है, अर्थात उनकी जो पीड़ा है, उनका जो दर्द है, उनका जो विषाद है, वो सब क्या है, एक है। तो इसको इस आशय को इन्होंने इन शब्दों में बयां किया है कि लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। वेदना का मतलब दर्द, तो दर्द का तार क्या है, सब जगह एक ही है, सभी एक ही जगह सभी एक ही तरह का दर्द महसूस करते हैं, घुटन महसूस करते हैं, बेचैनी महसूस करते हैं अपने अपने दर्द को लेकर। हिय में हिम्मत का सितारा एक, हिय का अर्थ होता है हृदय, हिय में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांत का पुर का हो जन जन का चेहरा एक। कह रहे हैं कि सभी जो शोषित हैं उनके हृदय में हिम्मत जो है, साहस, पराक्रम, अंधेर का अंधकार से, शोषक रूपी अंधकार से लड़ने की जो क्षमता है, उनका जो लाल लाल किरण जो है जो उनके जीवन में आशा का संचार करती है, ये जो हिम्मत है, लाल किरण का हिम्मत जो है, वो सबके हृदय में क्या है, एक ही तरह का है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी ग्राम का हो। जन जन का चेहरा एक, अर्थात शोषण करने वाले और शोषित होने वाले और शोषण का प्रकार जो है वो सभी क्या है, एक है।
एशिया के, यूरोप के, अमेरिका के भिन्न भिन्न वास स्थान, भौगोलिक ऐतिहासिक बंधनों के बावजूद सभी ओर हिंदुस्तान, सभी ओर हिंदुस्तान। ये कह रहे हैं कि आप एशिया में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, अमेरिका में चले जाइए, सबकी ऐतिहासिक स्थिति अलग है, भौगोलिक स्थिति अलग है, अलग अलग प्रकार के बंधन हैं, पर हर जगह ऐसा लगता है जैसे हिंदुस्तान है। अर्थात हर जगह ऐसा लगता है जैसे यहाँ जिस प्रकार का शोषण है वैसा ही शोषण उनको एशिया में दिखाई देता है, यूरोप में दिखाई देता है, अमेरिका में दिखाई देता है। अर्थात जगह अलग अलग है पर शोषण का प्रकार जो है, शोषण का तरीका जो है और शोषितों की वेदना जो है वो सब क्या है, एक है समूचे संसार में। सभी ओर बहने हैं, सभी ओर भाई है, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है। कह रहे हैं कि सभी ओर बहन है, सभी ओर भाई है, अर्थात सब ओर लड़के हैं, लड़कियां हैं, युवक हैं, युवतियां हैं, सभी ओर कन्हैया ने गायें चराई है। जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, वंशी की धुन सभी ओर एक। कह रहे हैं कि जिंदगी की मस्ती की अकुलाती भोर एक, कह रहे हैं जिंदगी की मस्ती जो मैं अकुलाहट जो है, जिंदगी में जो अकुलाहट है कि मेरे जीवन से अंधकार समाप्त हो और प्रातःकाल मेरे जीवन में आए, तो ये सब जगह क्या है, एक ही है। और बंसी की धुन जो कृष्ण भगवान बजाते हैं, अर्थात विजय की धुन जिसको कहेंगे, शोषकों के विरुद्ध जो कहेंगे आप क्रांति, और शांति का धुन जो कहेंगे, वो सब जगह क्या है, एक है। तो हम इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में बाकी लाइन्स के साथ। ये काफ़ी लंबी कविता है, तो आप अगले वाले वीडियो में देखेंगे हम।